हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। आज जा रहे हैं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। एक दिन का सफ़र तो हमारा बर्बाद हो चुका है, तो फिर हम निकले दूसरे दिन। और यहाँ पे मैं शुरू आके कर रही है गाय की ख़रीदारी। गाय पसंद करके ले जा रही है वो अपने दूध पीने के लिए। मजाक कर रही हूँ, रास्ते में गाय मिली तो उनके साथ खड़ी हो गई थी और साथ में फ़ोटो खिंचा रही थी। उसके बाद निकले हम मार्केट को, यानी कि पहला मार्केट जो हमारा पड़ता है यहाँ पर वो है मोरा। मोरा मार्केट गई, पापा को कुछ डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कराना था, उन्हें जीरोक्स कराया। और मम्मी और मैशू को हम पीछे छोड़ के आए थे, वो देखो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब तक मैशू मेरे साथ ही वो गोद पे लगी हुई थी और हम लोग आगे आए तो मैशू मम्मी का हाथ पकड़ के आ रही थी। अभी तक उससे बिल्कुल पैदल नहीं चला जा रहा था, वो बिल्कुल पैदल चल रही है। और धूप बहुत तेज लग चुकी थी और मैशू बिल्कुल हीरो बन के चल रही थी। कैप भी डाली थी और बोली थी मम्मा मुझे बैग दे दो, बैग भारी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको पर्स दिया था। और सामने एक ऑटो रुका हुआ था, वो भी मैशू को बार बार मुड़ के देख रहा था। जब तक मैशू रोड क्रॉस नहीं हुई उसके नाटक वो देखते रह रहे थे और हंस भी रहे थे। और मैशू बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे छोड़ के आ गए करके गुस्सा भी दिखा रही थी। और पीछे आप ऑटो देख सकते हो रुका हुआ है कब से। और जैसे मैशू वहाँ पे पहुँची वो भी सीधे गई पापा के साथ जीरोक्स करवाने के लिए। जैसे जीरोक्स कराई वैसे हमें फिर मिल गया था ऑटो, तो हम लोगों की सवारी निकल पड़ी थी यहाँ से। और आज हम लोग जा रहे थे फिर से पापा के कुछ काम के लिए। पिछले बार गए थे, हमारा काम बैंक में नहीं हो पाया था, तो बैंक का काम तो हमारा पासबुक में एंट्री करानी थी, वो तो यहाँ पे हमारा घर में ही चेकबुक आ गया था। तो पासबुक या चेकबुक में से किसी एक चीज़ की हमें ज़रूरत थी, वो हमें मिल चुका था। और ऑटो में मैशू की मस्ती कुछ ज़्यादा ही रहती है, वो कभी गोद में कभी नीचे बैठ रहती, कभी सीट बोलती है मुझे सीट चाहिए। तो पहला स्टॉप हमारा आ चुका है, हमने यहाँ से अपने मंजिल तक यानी कि जहाँ तक हमें पहुँचना था वहाँ तक पूरे चार ऑटो चेंज किए थे। ये हम यहाँ पर आ चुके थे दूसरे ऑटो में। और ऑटो में भी बहुत जगह ऐसा होता है ना, कोई सीट बड़ी होती है, कोई सीट छोटी होती है, किसी में तो हम लोग सीट जा रहे थे, किसी में फिर भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे दूसरी पैसेंजर भी आ गई थी, वो लेडीज़ थी, तो इसलिए पापा को आगे जाना पड़ा क्योंकि आगे की सीट जीन्स की, पीछे की लेडीज़ की, ऐसा कुछ रहता है ऑटो का। फिर हमारी यहाँ पे सवारी निकल पड़ी। और ये है ताप्ती नदी का ब्रिज। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे ब्रिज दिखा रखे हैं, अलग अलग ब्रिज है। और अभी हम कौन सा नंबर के ब्रिज में ये हमें नहीं पता। फिर आ गए हम अपने थर्ड स्टॉप पे। यहाँ पे पहुँचते ही मैसूर के नाटक शुरू हो गए थे, मम्मी से लड़ाई हो रही थी। मम्मी जैसे गोद में लगा रही थी तो मम्मी से वो लड़ने जा रही थी और खुद ही ऑटो ढूंढने लगी थी कि मम्मा हमें इस ऑटो में बैठना है। हम दूसरा ऑटो ढूंढे हुए थे और उसे दूसरे ऑटो में बैठना हुआ था। और जैसे हम उसको ऑटो में बैठाए थे तो वो रोने लग गई थी, बोली थी मम्मा हमें इसमें नहीं बैठना है, दूसरे में बैठना। और ये ऑटो हमारा सबसे छोटा था, बहुत मुश्किल से हमने एडजस्ट किया हुआ था। और ये है यहाँ के आसपास का भी। और आज हमारी किस्मत अच्छी रही कि मौसम अच्छा था, तो यहाँ पे हम लोग निकले थे स्मार्ट बाज़ार पर। तो मैं इसे जाने लगी थी शॉपिंग करने के लिए। और अभी ये मुझे वॉइस भी नहीं डालने दे रही है, पीछे से बग 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 का चालू हो गया। ये अभी हम पहुँचे हैं सूरत के विकास भवन के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास भवन कितना ही बड़ा है। हम लोग निकले हुए थे पापा के पीएफ ऑफिस के लिए। पीएफ ऑफिस जाने से पहले जाना था पापा के ऑफिस यानी कि एलएनटी ऑफिस में, जहाँ पे पापा के कुछ सिग्नेचर करवाने थे। तो पहले हम लोग गए थे पापा के ऑफिस के लिए जो सूरत में ही है, तो फर्स्ट स्टॉप हमारा ये था। और आजकल हमारे साथ इत्तफाक हो रहा है कि जब भी हम कहीं मार्केट को जाते हैं तो बहुत अच्छी हवा चली रहती है, वरना गर्मी में दिन के टाइम पर सफ़र करना बहुत मुश्किल है। और रूम पे हम लोग बोर हो जाते हैं, तो पापा अकेले भी जाके काम कर सकते थे, हमने सोचा हमारा भी घूमना हो जाएगा, तो हम लोग भी चले गए। और मैशू का मूड पता नहीं सवेरे से क्यों खराब था, अजीब अजीब सा मुँह लगाई हुई थी। और इसको यहाँ पे चलते चलते नींद भी आने लग गई थी, देखो आज की आंखें बंद होने लग गई। फिर पापा जैसे अपने ऑफिस में गए तो हम लोग जाके एक होटल में बैठ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने खाया बड़ा पाव। और ये महारानी मेरे सर के पास खड़ी है, अभी भी पीछे से बक 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 कर रही है। और यहाँ पे हमने बड़ा पाव खाया और मैशू की मस्ती यहाँ पे भी चालू हो गई थी। ये आजू बाजू घूम रही थी, नाले में पैर डाली थी, कहाँ डस्टबिन में पैर डाली थी। यहाँ पे हम लोग कम से कम आधे घंटे बैठे थे, वो आधा घंटा हमें यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। और वॉइस डालने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रखी है आजकल यहाँ पूरे रूम पे, दरवाज़ा खिड़की बंद है तो आवाज़ टकरा भी रही है। और इसकी हरकत देख सकते हो आप, इसको रोड पे नहीं चलना था, साइड पे लेके आई थी, अब साइड पे आए तो इसको बीच रोड में चलना है। तो इसके निकलने की कोशिश देखो कैसी कोशिश कर रही है। और उसके बाद मैं इसको डांट डूट के बहुत मुश्किल से लेके आई। फिर हम लोग यहाँ से निकले पीएफ ऑफिस के लिए। और पीएफ ऑफिस के लिए जैसे निकले ऑटो में बोलती है कि अब मुझे ना खड़ा होना है ना गोद में बैठना है, मुझे भी ऑटो की सीट में बैठना है। तो ये ऑटो की सीट में बैठ गए थे। हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे यहाँ के स्टॉप का भी आइडिया नहीं था, हम कौन से स्टॉप में उतर रहे हैं कौन से स्टॉप से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं फर्स्ट
टाइम आ रही हूँ। इससे पहले हम लोग आए थे तब बैंक के लिए गए थे, वो दूसरे रोड पे हैं और वहाँ भी हम लोग फर्स्ट टाइम गए हुए थे, तो ये सारी लोकेशन पापा को पता थी। पापा हम लोगों को लेके जा रहे थे और माईशू के ड्रामे आप देख सकते हैं, जैसा मम्मी कर रही थी ऐसा माईशू भी कर रही थी। और हम कहीं भी जाएँ माईशू के तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते, इसको लेके जाना लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रूम पे भी ये भी बोर हो जाती है, इसको ले जाना भी ज़रूरी पड़ता है कभी कभी घुमाने के लिए। और कभी दादी को गुस्सा दिखा रही थी, कभी लड़ रही थी, इसका पूरे ऑटो में ड्रामा ही चला हुआ था। यहाँ पे पीएफ ऑफिस के लिए आए तो यहाँ पे से फिर हमें नेक्स्ट स्टॉप में जाना था और यहाँ पे पापा भी रास्ता भूल गए थे, हम लोग बहुत पीछे उतर गए थे, तो यहाँ पे हम लोग बहुत आगे तक पैदल चले। ये आ चुका है पीएफ ऑफिस, यहाँ पे के लिए हमने फिर नेक्स्ट ऑटो लिया था। पूरा टाइम हम ऑटो चेंज करते रहते थे, बहुत ही दिक्कत हुई यहाँ तक पहुँचने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जब हम पहुँचे 12 बजे के करीबन पहुँचा था, हमें पहले से ऐसा लग रहा था कि कहीं लंच टाइम ना हो जाए, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, टाइम होगा नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा 95 नंबर था और जिस टाइम हम पहुँच रहे थे यहाँ पे 70 नंबर चल रहा था। आप सोच सकते हैं हमने कितना लंबा इंतजार किया। और यहाँ पे पीएफ ऑफिस के बाहर पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए थे, बहुत सारी हरियाली हुई थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे हम पीएफ ऑफिस में पहुँचे ना, हमारा वहाँ भी काम नहीं हुआ, इत्तेफाक की बात तो ये है। फिर जैसे हमारा काम नहीं हुआ था, हम लोग निकल गए फिर वापस घर को, और रास्ते में लगे हुए थे ढेर सारे कपड़े बहुत ही प्यारे प्यारे। और ऑफिस में इतना लंबा इंतज़ार किया, करीबन हम 1 से 1.5 घंटे खड़े थे और लास्ट में हमारा काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हम पापा का पीएफ काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। सबने बोला था कि ऑफिस में जाके निकल जाएगा, पर ऑफिस में जाके भी नहीं निकला। ये कुछ मैं ऑफिस में वीडियो बना रही थी क्योंकि ऑल आउट नहीं होता, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर स्क्रीन में सामने नंबर लगे हुए थे और माईशू नीचे बैठ के मस्ती कर रही थी, पूरे टाइम मस्ती में लगे रहती है। यहाँ पे सबसे लड़ाई करी थी और ऑफिस से आते ही फिर बाहर भी माईशू को मम्मी ने जूते पहनाए। ये सब लोग अंदर जूते पहन के बैठे हुए थे, इसने जूते उतार दिए थे अपनी महारानी ने। उसके बाद जैसे हम लोग घर को आए थे तो रास्ते पे कबूतरों के लिए दाना और पानी रखा हुआ था, आप देख सकते हो कितने सारे दाने यहाँ पे डाले और कबूतर उड़ते हुए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे से हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया था घर की ओर, और यहाँ से हमारा काम के लिए ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही सफ़र था। और रास्ते में भी हवा चल रही थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। आज का हमारा सफ़र इतना कभी ख़राब नहीं हुआ जितना पिछली बार का था, पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा रास्ते में दिक्कत हुई थी। फिर जैसे हम एक ऑटो लेके आए थे, बुकिंग करके लाए थे आधे रास्ते तक, तब तक माईशू सो गई थी। फिर यहाँ पे से हमने दूसरा ऑटो लेना था और दूसरा ऑटो लेने तक माईशू सो गई थी, माईशू को नींद आ गई थी क्योंकि उसका टाइम फिक्स है 12 से 1 बजे के टाइम पर वो सो जाती है, तो यहाँ पर माईशू सो चुकी थी। फिर हम लोग यहाँ से आए सीधे हसीरा होटल कवास में, और यहाँ पे पहले तो हमने मेन्यू देखा पर लास्ट में हमने चिली पनीर और चाउमीन ही ऑर्डर किया। ये हमारी प्लेटें लग चुकी थी, प्लेटें लगने के बाद खाना आने में कम से कम आधा घंटा लगा था, तो हम लोग मजाक कर रहे थे, हम लोग बोले थे कि सिर्फ प्लेट दे के ही पेट भर लो, तो लास्ट में हमारा खाना भी लोग पहुँच गया। सबसे पहले हमारा पहुँचा चिली पनीर, पहुँचते ही पापा ने शुरू भी कर दिया था खाना। फिर उसके बाद आई थी चाउमीन और यहाँ पे हमने सर्व करके दिया था चिली पनीर, तो चाउमीन मैंने बोला था हम लोग खुद ही सर्व कर लेंगे। हम जहाँ भी खाने के लिए जाते हैं, जैसे 3 लोग हैं तो 2 प्लेट, 2 लोग हैं तो 1 प्लेट ऐसे लेते हैं क्योंकि पूरा खाने बात है। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेट लिया था, 1 पनीर का 1 चाउमीन का, ये हमने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया था। ये तो हो गया था हमारा यहाँ का दिन का लंच, लंच के टाइम पे हमारा चल रहा था फास्ट फूड। उसके बाद हमें घर के लिए कुछ लेके जाना था क्योंकि दादा रूम पे पहुँच गया था। तो यहाँ पे बगल में कैलाश रेस्टोरेंट है जिसकी कैलाश फास्ट फूड करके है, यहाँ पे आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, वहाँ से मैं लेके गई पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा नहीं, यहाँ पे मैं लेके गई बर्गर और स्ट्रिंग। ये रूम के लिए, रूम पे पहुँच के थोड़ा थोड़ा हमने भी फिर खाया। फिर उसके बाद दिन में दादा ने कुछ लंच नहीं किया था, तो पापा भी बोले थे बाहर का खाना खाना बहुत हो गया, कुछ घर का खाना है। तो उसके बाद फिर मैंने किया था यहाँ पे चावल फ्राई, शॉर्टकट चावल बना हुआ था तो मैंने चावल फ्राई कर लिया, और उसके साथ में ले लिया थोड़ा सा अचार और सलाद। का सफ़र तय करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम लोग वापस निकले मार्केट को। और फर्स्ट में मैंने गई थी चावल लेने के लिए क्योंकि आज हमारा प्लान था बिरयानी बनाने का, और तो हमारे घर में इंडिया गेट चावल ख़त्म हुआ था तो हम वो लेने के लिए गए। और माईशू को आप देख सकते हैं अकेले बैठना चाह रही है वो बाइक में, अब मेरे को पकड़ो भी मत बोलती है। तो सारी ख़रीदारी की डेयरी में से छाछ वगैरह दही सभी कुछ लेके आई, और माईशू के लिए आइसक्रीम। फिर हम लोग आए चिकन कटवाने के लिए, तो जब तक मैं चिकन कटा रही थी तब तक माईशू इंजॉय कर रही थी अपनी आइसक्रीम। फिर उसके बाद पहुँचे हम लोग घर, सब्जी माईशू के लिए आम, चिकन, चावल और बिरयानी मसाला, ये सभी चीज़ें हम लेके आए थे। तो फिर मैंने फटाक से की बिरयानी बनाने की तैयारी, 5 बज चुके थे तो मैंने ये बिरयानी की तैयारी हो रही है। बिरयानी बनाना मुझे अच्छे से आता नहीं है, मैं ट्राई करी थी बस बनाने का,
तो मैं ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ, पिछले बार बनाया था उतना खास नहीं बना था, तो ये सेकेंड टाइम का है और आज थोड़ा ठीक ठाक बना था। ये नहीं बोलती परफेक्ट बना था, ऐसे ट्राई करते रहूँगी तो शायद आगे को चल के अच्छा बने। और जिस टाइम पे हमने बिरयानी खाई उस टाइम पे मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो लास्ट में मैं अलग से प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये दादा ने खाना बाकी हुआ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था। खाने के बाद हम लोगों ने बैठे थोड़ी देर बाहर हवा खाने के लिए और इंतजार में है पानी आने का, और थोड़ी देर से पानी आएगा। तो आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसको देखो निकल गई है घूमने के लिए, तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।